أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني ربي يسر ولا توسر من خير سورة النساء آية نمبر 77 ألم تعنه ترى دكا إلى الذين أن لوغون كي ترى كيل لهم جنكو كاهاجا كفو روكلو أيديكم अपने हाथों को सलाता और कायम करो नमाज व आतु उस और अदा करो जक़ात फिर कुतिब फर्ज हुआ उन पर कताल करना जहाद करना इधर फरीक उन तो एक फरीक मिनहुम उनमें से यकुन वो डरते हैं अन्नास लोगों से कहश ज्ला ऐसे डरना चाहिए अल्लाह ताला से औ अशद है इससे भी ज्यादा डर है वकालू और वो कहती हैं रब्बना ए हमारे रब लिमा कतबत तो तूने क्यों लिखा है अलीना हम पर अल किताल करना लौला अगर ना अहद हमें ढील दी इला अजर करीब थोड़ी सी मुद्दत के लिए कुल कह दीजिए उन जा का सामान सामानतू और आखिरत वो बेहतर है वाला और नहीं तो जुलम किया जाएगा तुम पर फतीला धागे बराबर मक्का में मुसलमानों पर कुरेश मक्का ने यू जुलम धाए इनका निशाना सिर्फ गुलाम मुसलमान नहीं थे बल्कि आजाद और मोजिस किस्म के मुसलमानों का भी इन लोगों ने तरह तरह से एक लंबी उम्र तक उनका रहना तंग किया हुआ था हती कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के हाथों मुतद बार तकलीफें पहुंची उस वक्त बाद ज़रूरतमंद मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम से इन लोगों के साथ जंग करने की इजाजत चाहिए तो आपने फरमाया कि अभी मुझे जंग की इजाज़त नहीं दी गई लिहाजा तुम भी इन मसाइब को सबज से बर्दाश्त किए जाओ और अपनी तमाम तवज्जो नमाज के क्याम और जक़ात को अदा करने पर लगा दो चनाचा सयदना अब्दुलरहमान बिन औफ असैबिकून में से थे ये इन्हीं लोगों में से जो जंग की इजाजत चाह रहे थे में आता है। इबन से रवायत है सैयदना अब्दुलरहमान बिन औफ और उनके साथी में नबी करीम वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल हम इज्जत वाले हैं जबकि हम मशरत से फिर जब हम ईमान लाए हैं तो हम जलील हो गए हैं। आपने फरमाया अभी मुझे दरगुजर करने का हुक्म दिया गया है लिहाजा जंग ना करो फिर जब अल्लाह ताला ने हमें मदीना मुंतकिल किया तो हमें जंग का हुक्म दिया गया बाज लोग जंग से रुक गए तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज फरमाई ये निस्साई की रवायत है चंद अहम बातें यहाँ पे लाजमी है पहली ये कि सुरत जो है ये मदनी दौर में और अख़ज़ाब के दरमियानी अरसे में नाजिल हुई थी और के रेल की इससे वाजिया तौर पे मालूम होता है कि मक्की दौर में मुसलमानों को हाथ उठाने से रोक दिया गया था हालांकि कुरान की मक्की सूरतों में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है अब दो ही सूरतें मुमकिन हैं एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही खफी कोई ऐसा हुक्म मिला हो जिसके बाद में मदनी दौर में इस आयत के जरिए तौसीक की गई हो दूसरी सूरत क्या है कि ये आपका जाती इज्तिहाद हो इनकलाबी तहरीक के आगाज में मुसलमानों को हाथ नहीं उठाना चाहिए आपके इस इश्तेहाद पर, अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनकार वारिद नहीं हुआ तो लिहाजा वही तकरीरी की हैसियत रखता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादात भी वैसे ही वाजिबल हैं, जैसे कुरआन के अहकाम है दूसरी काबिल जिक्र यहाँ पे बात क्या आती है कि तेरह साल तबीर दौर में जो मक्का में था मुसलमानों पर कुफार इंतहाई किस्म के जुलम रहे थे मुसलमानों को हाथ उठाने या मुदाफियत करने से रोक दिया गया क्यों रोका जवाब क्या आता है कि इस्लाम जो है ना ये इंकलाबी तहरीक है अरब के तमाम तरमाशी और तमदनी निजाम की बुनियाद परस्ती पर कायम थी और इस्लाम ने इसी बुत परस्ती के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की तो इस बात निजाम में जो लोग मुआशी या सियासी फायदा उठा रहे थे वो सब इस्लाम के पैहम्बरी इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन बन गए और उन पर सख्तियां शुरू कर दी इस महले पर मुसलमानों को ताक़ीदी हुक्म यह दिया गया कि अपनी मुदाफियत में हाथ भी ना उठाए बल्कि जैसे भी ज़ुल्म हो रहे हैं वो बर्दाश्त करते जाए तशद की हुक्म पॉलिसी के तीन किस्म के फवाद हासिल हुए पहला क्या हुआ अगर मुसलमान उस मरहले में ही मुकाबला शुरू कर देते तो मुश्रकी को जो कुत जो कुदरत में मुसलमानों से बढ़ रहे थे इस तहरीक को शिद्दत के साथ कुचल देने का इखलाकी जवाब हाथा जाता इस सदम तशद की पॉलीसी की वजह से तबलीग का काम जारी रहा और ये इसी सूरत में मुमकिन था दूसरा फायदा ये हुआ कि मुसलमानों को मसाइब बर्दाश्त करने और नबी करीम सल्लम का हर हाल में हुक्म मांगने की तरबियत दी गई यानी जो भी हो जाए नबी के हुक्म को नहीं छोड़ना तीसरा फायदा क्या हुआ गैर जानबदार किस्म के लोगों की खामोश अक्सरियत की हमदर्दियां मुसलमानों से वाबस्ता हो गई क्योंकि हर इंसान तबीयतन जुल्म से नफरत करता है नबी के रीम सल्ला पर जब पहली वही नाजिल हुई घबराए तो हुए घर आए सदा खदीजा आपको अपने चचाजा भाई वर्का बिन नोफुल के यहाँ लेके गई तमाम वाहदा सुनकर क्या कहा था काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कोम आपको मक्का से निकाल देगी वर्का की ये बात सुन के आपकी हैरत के इम्तहान आ रही जो कौम आज तक मुझे अपनी आंखों का तारा समझती है वो कल को मुझे मक्का से निकालेगी चनाचा आपने नहाय तजुब से वरका से यही सवाल किया तो क्या कहा कि जो नबी भी ऐसी दावत लेके आया उसकी कौम ने उससे ऐसा ही सलूक किया ये बुखारी की रवायत में हमें मिलती है वरका की इस इतला का आप पर यह असर हुआ क्या आपने अपनी दावत को नाकामी से बचाने की खातिर इसका आगाज नहा खुफिया तरीके से और अपने घर से किया और घर के फौरन कौन से अफराध आप ईमान लेके आए थे सैयदा खदीजा उस वक्त उनकी उम्र पचपन साल थी आपके गुलाम जैद बिन हारसा सैदना अली बिन अभी तालिब जो आपके चचा अबू तालिब के बेटे थे आपके जेल कफालत थे आपके घर रहते थे एक रवायत के मुताबिक जब उन्होंने इस्लाम कोबूल किया उनकी उम्र दस साल थी जबकि एक रवायत में आठ साल भी मिलती है बहरा वो शुरू रखते थे उस उम्र में आपकी औलाद में से ऐसा कोई भी नहीं था जो उस वक्त आप पर मान लाता पहली बेटी आपकी सदा जैनब जिनका निका अबुलस बिन रबी से हुआ था सैयद जैनब तो बाद में जल्द ही ईमान ले आई लेकिन अबुल के बाद ईमान ले आए अबुल सैदा जैनब और त्लु हमेशा खुशगवार रहे फिर दूसरे नंबर पे आपके बेटे सैयदना कासिम इसी नाम की बिना पर आपकी कनीयत भी अबुल कासिम थी ये बैसत से पहले ही वफात पा चुके थे तीसरे नंबर पर आपकी बेटी रुकैया बैसत नबी के वक्त उनकी उम्र सिर्फ छह साल थी बाद में उनका निकासी उस्मान से हुआ जिस दिन मुसलमानों को मदीना में फतेह बदर की खुशखबरी मिली उसी दिन सैदना रुकैया वफात पा गई चौथे नंबर पर उमे कल्सोम सैदा रुकैया की वफात के बाद इनका निकासी उस्मान से हुआ पांचवे बेटे अब्दुल्ला जिन्हें तयियब और ताहिर भी कहा जाता है ये भी सने बलोत को पहुंचने से पहले ही फोत हो गए छठे नंबर पर आपकी सबसे छोटी बेटी सैयदना फातमा जिनकी उम्र उस वक्त एक साल थी पंद्रह बस की उम्र में आपका सैयदना अली से निका हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आपकी औलाद में से सिर्फ यही जिंदा थी छह माह बाद ये भी फोत हो गई घर के बाहर के लोगों में सबसे पहले सैयद ना इंसान, दिल्ली दोस्त थे आपके फिर सैयदना उस्मान बिन अफान अब्दुलरहमान बिन औफ साद बिन नबी बकास, जुबैद बिन अवाम, तलहा ईमानदार थे उनकी वालदा समया। इसी तरह आगे तादाद जाती गई जाती गई ऐ न माता पूर्ण यहाँ कहीं तुम हो गये युद्ध को मुल मऊ तू पालेगी तुम्हें मौत वलौकुन तुम अगर तुम हो बुरु इन बुरजो में मुश्यद मजबूत व इन तुसे बहुम और अगर पहुंचे हसन कोई भलाई या कोलो वो कहते हैं हाँ मिन ये हाही की तरफ से है वह इन तुसे बहुम और अगर पहुँचे उन्हें सही सन कोई बुराई या कोलो वो कहते हैं हाँ हा मिन इंद ये आपकी तरफ से है कुल कह लीजिए इंद तमाम अल्लाह की तरफ से ही है कमाली तो क्या हो गया हाउला इस तमाम कौम को ला याद होना नहीं ये लगते होना कि ये, ये समझे हदीसन बात को मौत अपने वक्त पे आके रहेगी ये ऐसी हकीकत है जिसका मुसलमान तो मुसलमान कोई काफियत भी इनकार नहीं करता इस हकीत के का मकसद क्या है कि अगर ये कमजोर मुसलमान इस हकीकत को हर वक्त सामने रखें तो जहाज से डरने की कोई वजह नहीं क्योंकि मौत का वक्त तो मुकर है जगह भी मुकर है अगर तुम्हारे मुकद्दर हो चुकी है तो घर में भी आके रहेगी अगर जिंदगी बाकी है तो मैदानी जंग में भी मौत नहीं आएगी बाद विन के नजदीक ये खिताब मुनाफी को है जो जंगे ओहद में शिकस्त देखकर अपने भाई बंदों से कहते थे कि अगर तुम हमारी बात मान देते तो तुम्हारे अजीज इस लड़ाई में ना मारे जाते और ये कॉल इस लिहाज से दुरुस्त मालूम होता है कि इसी आयत में आगे मुनाफीन को भी खिताब है फिर मुसीबत को भी नबी करीम सली की तरफ मनसूब करने वाला खिताब ये भी मुनाफिन में से है साथ ही यहूदी भी इसमें शामिल है अगर उन्हें कोई राहत तो और सुकून की लम्हात मयसर आते खुशी नसीब होती गला ज्यादा होता जंग में मालय गनीमत आता था तो उसे तो अल्लाह की तरफ मनसूब करते हुए क्या कहते ये अल्लाह का फजल है अल्लाह का करम है अगर कोई दुख या मुसीबत पहुंचती तो फिर वो इस्लाम नबी करीम वसल्लम पर लगाते और क्या कहते के नहीं थी हर तदबीर का नतीजा जैसा के के मौके पर हुआ। और अपने आप को हर तरह से बड़ी करा देते अगर मुनाफिक क्यों समझते अगर फतह हुई है तो वो भी तो आपके हुसन तदबीर से आपके जरिए और आपकी बरकत से हुई है तब भी बात किसी हद तक बन जाती लेकिन हकीकत यह है फायदा हो या नुकसान हो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है और ये मुसलमानों के एक अहम युज है वाज दलील क्या है वाह का माता अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और उन अमाल को भी यो तुम करते हो सुर आंबर नाइनटी सिक्स में है ये यानी अगर फायदा या तकलीफ को आमाल ही का नतीजा करार दिया जाए चूंकि तुम्हारे आमाल का अल्लाह खालिक्जत है तो लिहाजा नफ़ा और नुकसान भी अल्लाह की तरफ से हुआ है माँबा जो तुझे पहुंचे मिन हसन कोई भलाई व मिनि की तरफ से है व माँसाबा जो तुझे पहुँचे मिन सियत कोई बुराई वीन नफसे तो वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है अक्सल ना का और हमने तुम्हें भेजा लिन्नासी लोगों के लिए रसूला रसूल बनाकर वकफा और काफी है बिल्ला अल्लाह ताला शहीदा गवाही गवाह अब इसी अकीद तकदीर का दूसरा रुख अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा इंसान को कुव्वत इरादा और इख्तियार भी दिया गया खैर और शर की दोनों राहें बता दी गई इसी लिहाज से इंसान को उसके अमाल का बदला मिलता है अगर इंसान अच्छे अमाल करे तो अच्छा बदला मिलता है तो यह खालिशन अल्लाह का फजल और एहसान है वजह यह, यह है कि अल्लाह इज़्ज़त के इंसान पर सबका एहसानात ही इस कदर ज्यादा है कि उनके शुक्रिया के तौर पर वो जितने भी एतात और इबादत करे इन एहसाना का इवज नहीं बन सकती अब अगर अल्लाह ताला इस इबादत और अतात को मजीद जजाब या फरमा दे तो महज उसका फजल है उसका एहसान है और नाफरमानी और गुनाह के काम करेगा तो ये तो अल्लाह ताला की जो सबका एहसानात हुए हैं उनके भी इंतहाई ना शुक्री है उसे जरूर सजा मिलनी है अल्लाह इज्जत सूरत इब्राहिम सेवन में क्या फरमाते हैं ला तुम लाजीदुम अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा भला इन कफ तुम इन अगर तुमने ना की तो याद रखो मेरा अजाब बड़ा सख्त है सख्त सियात थे ना अल्लाह का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ज्यादा देगा ना शुक्र की तो फिर अल्लाह के अजाब को याद रखें इस लिहाज से अगर इंसान को कोई दुख कोई मुसीबत आती है तो बेसा औकात उसकी अपनी आमाल की शामद का नतीजा ही होती है और खुशी और फायदे की बात तो महज अल्लाह का फजल है अल्लाह का एहसान है फिर लोगों से मुराद क्या है सिर्फ दौरे नबी के लोग नहीं बल्कि क्यामत तक तमाम अव आलम के लिए रसूल हैं? है दूसरी आयात से यह बात वाजह है अगर तमाम लोग क्यामत तक आपकी रसालत की बात तस्लीम नहीं करें तो भी इस हकीकत पर अल्लाह रबुल्जत की शहादत बहुत काफी है

अल्लाह ताला के रसूल नबी के करीम वसल्लम ही पेश कर सकते हैं और इसके अहकाम की हमत और मंशा को उसके रसूल ही सबसे बेहतर समझ सकता है तो क्या हुआ नबी के तबा और उसकी एतात अल्लाह ताला की एतात हुई इसके बावजूद अगर कोई शख्स नबी करीम सल वम के अहकाम से एराज करता है तो जबरतन जबिर जबरदस्ती उससे अतात करवाना ये नबी करीम सलम की जिम्मेदारी नहीं है और वो कहते हैं तो आतुन हमने हुक्म माना पीजा फिर जब बार बाहे जाते हैं मीना आइंदी का आपके पास से बता रात को मशवरा होता है एक ग्रोह का एक जमात का मिन उनमें से खिलाफ तो वो कहते हैं और अल्लाह तक तो लिख लेता है माँ बीतू वो रात को मशवरे करते हैं फारों फेर लें उनसे व और तवक्ल करें अल्लाह अल्लाह अल्ला तफा और काफी है बिल्ला अल्लाह तला का साज यानी मुनाफी आपके सामने तो आपके अत्यात का दम भरते हैं आपकी और मुसलमानों की की बातें भी करते हैं लेकिन उनके खुफिया मशवरे बातों से बिल्कुल अलग नोयत के हैं उनकी सोच उनके फिक्र ही मुख्तल होता है वो ये सोचते हैं कि मुसलमानों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए इनकी कुत को कैसे कमजोर किया जाए इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए इन्हें मदीना से कैसे निकाला जाए इस वर्ष के लिए यूदे मदीना से मशवरे करते हैं मिल बैठते हैं सो आप इनकी ऐसी नापास साजिशों की परवाह ना करें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें अल्लाह ताला खुद इनसे निमट लेगा अफला क्या नहीं ये बरूण गोर विक्र करते कुरान में बलुकान अगर वो होता मिन इन लाह के अलावा किसी और की तरफ से अख्तिलाफ ना होना मंजिल मिन मिनल्ला होने की दलील है मुनाफ़कों की जिस बात पे उन्हें तबीक की गई है उनकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें कुरान के मंजिल होने में शक था इस में इस शक को दूर करने की अकली दलील पेश की गई कि इंसान की हालत यह है कि बचपन में उसकी अकल नापुख्ता होती है जमाने में तरक्की करता है पुख्ता उम्र में अकल भी पक्की हो जाती है फिर तीनों अदवार के कलाम में नुमा फर्क होता है जिंदगी भर उसके नजरिया बदलते बदलते रहते हैं बचपन में ख्याल देखें अपने जवानी में बुढ़ापे में कैसे होते हैं फिर इंसान जिस शहर में रहता है जिस मुल्क में रहता है वहां के माशती माहौल का असर भी कबूल करता है कभी इंसान गुस्से में तो कभी नॉर्मल अंदाज में गोया अगर किसी भी एक इंसान की जिंदगी भर के कलाम का मजमु तैयार किया जाए तो उसमें सैकड़ों अख्तलाफात सैकड़ों तजादा आपको मिलेंगे इसके बरअक्स अल्लाह के कलाम पे नजर डालिए तेईस साल तक मख्तल और मख्तल पसरे मनाजिर मुख्तलिफ़ मौके पे नाजिर होता रहा जो आखिर में तरतीब पाकर एक मजमु बन गया अदबी लिहाज से इसकी फसाहत और बलागत में कहीं कोई फर्क नहीं है ना इसकी नजरियात में ना इसकी इकदाद में कोई डिफ़रेंस नहीं है। कुरान में इख्तलाफ की वजह मालूम हो तो वजह ना सईद बिन जुबैर कहते हैं एक शख्स सैदना इब्ने अब्बास के पास आया कहने लगा मैं तो कुरान में कई इख्तलाफात की, की बातें पाता हूँ क्या मतलब है कि क्यामत के दिन इनमें कोई रिश्ता हाइल नहीं रहेगा ना वो एक दूसरे को पूछेंगे और सुर साफ़ात आयत नंबर ट्वेंटी सेवेंटी में क्या आता है वह वाला बेज़ुम अल्लाह बेज़ी ये तस्सलून उन उनमें से कुछ इनके सामने आकर एक दूसरे से सवाल करेंगे इसी तरह सुरत निशा आयत नंबर फोर्टी टू में आता है वाला यक्तोमुन अल्लाह फ़ादिशा उल्लाह ताला से कोई भी बात छुपा नहीं सकेंगे दूसरी बात आयत में क्या आता है सूरत इनाम आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में वल्ला रबी नन्ना मुश्रकिन अल्लाह की कसम हम शिक नहीं किया करते थे गोया वो, वो से बात छुपाएंगे आगे देख के सूरत नादिया आता है नंबर ट्वेंटी सेवन में आता है आन तुम मशद हल्कन बना है इससे ये मालूम होता है कि आसमान की पैदाइश जमीन से पहले हुई और सूरत

अल्लाह इन जमाने से से माजी में मसूफ था अब नहीं है सैन अब्बास ने इन सवालों के जवाब में क्या फरमाया पला वाले में उस वक्त का जिक्र है जब पहली दफा सूट फूंका जाएगा आसमान वाले और जमीन वाले सब बेहोश हो जाएंगे ना कोई रिश्ता रहेगा ना कोई एक दूसरे के पूछने का होश होगा दूसरी आयत में जो एक दूसरे से सवाल करने का जिक्र है ये दूसरे नख के बाद होगा। पे क्यामत के लिए जब अल्लाह ताला अखलास वालों के गुनाह माफ करेगा तो मुश्क आपस में इस बात की सलाह करेंगे चलो हम भी जाके कह देते हैं कि हम मुशरक नहीं थे तो अल्लाह ताला उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे उनके हाथ और उनके पाँव बोलना शुरू करेंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती यही वो वक्त होगा जब काफी ये आरजू करेंगे काश वो दुनिया में मुसलमान होते आसमान और जमीन की तखलीक में तरतीब की बात करें तो अल्लाह इज़्ज़त ने जमीन को पहले दो दिन में पैदा किया फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ अगले दो दिनों में सात आसमान बनाए इसके बाद जमीन को फैलाया फैलाना क्या है पानी निकाला घास चारा जानवर पहाड़ हर हाँ तरह की ये दो में, दो दिनों में बनाई इस तरह ज़मीन, आसमान की दिनों में मुकम्मल हुई मेंब्त और दो आखरी दो दिन आसमान के फिर काना का मतलब क्या है कि अल्लाह ताना समय वाली ये बात थी कि अल्लाह तेफ़ा अजली है ये सब उसके नाम है यानी वो हमेशा इन सिफात